इंसान आज हमसे ज्यादा समझदार और होशियार प्राणी इस पूरे पृथ्वी पर नहीं है। आज हम पृथ्वी के लगभग हर कोने पर पहुंच चुके हैं, यहाँ तक कि आज इंसान पृथ्वी के साथ चांद की भी यात्रा कर आया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंसानों का अस्तित्व हमारी पृथ्वी पर कैसे आया, हमने आग के बारे में कैसे जाना, हमने हथियारों का इस्तेमाल कैसे सीखा, हमें खेती करने के बारे में किसने बताया, और क्या हमें इतना आधुनिक बनाने में भगवान का हाथ है या फिर एलियंस का। तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों को लिए अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, हमें हमारे इतिहास को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमसे पहले रहने वाले डायनासोर्स का खात्मा कैसे हुआ, और इस बात को जानने के लिए हमें समय में लगभग आज से 6.5 करोड़ साल पहले जाना होगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अब डायनासोर्स के काल में। ये वो दौर है जहाँ पर हमारी पृथ्वी पर चारों ओर इन खूंखार डायनासोर्स का ही राज था। कोई अपनी भूख मिटाने के लिए किसी दूसरे डायनासोर का शिकार कर रहा था, तो कोई इस पृथ्वी पर फैली हुई हरियाली को खाकर अपने पेट की भूख को मिटा रहा था। हमारी पृथ्वी पर जब ये सब चीजें हो रही थी, तो उधर अंतरिक्ष में लगभग पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में एक छोटा एस्ट्रॉइड एक बड़े एस्ट्रॉइड से टकरा जाता है, और वो बड़ा एस्ट्रॉइड 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर सीधे बढ़ने लगता है। लगभग 40 किलोमीटर व्यास वाला यह एस्ट्रॉइड हर सेकंड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था, और जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसकी रफ्तार 22,000 किलोमीटर प्रति घंटा से 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक बढ़ जाती है, और कुछ ही समय में यह एस्ट्रॉइड मेक्सिको की खाड़ी से जाकर टकरा जाता है, और इस टकराव का असर लगभग 10 हाइड्रोजन बम्स के बराबर होता है। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। इस टकराव के कारण हमारी पृथ्वी पर मौजूद 90% जीव जंतुओं का विनाश हो जाता है, और जिन डायनासोर्स का राज अब तक इस पृथ्वी पर था, वो इसी पृथ्वी पर राख बन के कहीं खो गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि किसी एक का नुकसान दूसरे के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, और ये फायदेमंद हुआ इसी पृथ्वी पर रहने वाले मैमल्स के लिए। मैमल्स यानी कि स्तनधारी, ये इस पृथ्वी पर इसीलिए बचे रह गए क्योंकि जब तक डायनासोर्स जिंदा थे, ये जमीन के अंदर शिकार होने से बचे रहने के लिए रहा करते थे। और जब पृथ्वी पर ये महाप्रलय की घटना हुई, तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और तापमान से बचने के लिए भी मैमल्स धरती के अंदर ही रहते थे। और जब कुछ समय बाद धरती का तापमान फिर से सामान्य हुआ और धरती पर चारों तरफ फिर से हरियाली और पेड़ पौधे उगने लगे, तब जो पृथ्वी पर 5% जीव जंतु बच गए थे, उनमें एक खास प्रकार के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसका नाम है एडेप्टेड रेडिएशन। इस प्रक्रिया में एक जीव से बहुत से अलग अलग जीव पैदा होने लगे। इयोसीन इपोक काल में, यानी कि आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले, बंदर जैसी दिखने वाली पहली प्रजाति पृथ्वी पर आई। इनकी आंखें सर में आगे की ओर थी, और इसी दौर में इनकी रीढ़ की हड्डी को सिर से जोड़े रखने वाली स्पाइनल कॉर्ड सिर में पीछे की बजाय सेंटर की ओर खिसकने लगी, जिसकी वजह से अब ये 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पे चलने लगे। और आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी लगभग आज की तरह ही दिखने लगी थी। यहाँ चारों ओर हरियाली और बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, और इनमें रहते थे हमारे पूर्वज एप्स, जो कि हमेशा इन्हीं पेड़ों पर रहते थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन 40 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में हरकत हुई, जिसके कारण अफ्रीका में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीका वैली। इस नई पर्वत श्रृंखला के निर्माण से अफ्रीका के अंदर जो हरे भरे जंगल थे, उन जंगलों तक मौसमी हवा नहीं पहुंच पाती थी, जिस वजह से ये हरे भरे जंगल धीरे धीरे समय के साथ घास के बड़े बड़े मैदानों में बदल गए, और जिसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला इन एप्स पे। जंगलों के सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या बढ़ गई, और एडिपिथिकस रेमिडस एप्स को सबसे पहली बार पेड़ों को छोड़कर जमीन पर अपना कदम रखना पड़ा। इनका दिमाग संतरे के आकार जितना बड़ा था, और इनकी लंबाई 4 फीट तक हुआ करती थी। कई हजारों सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पे सीधे चलने लगे। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। सीधे चलने की वजह से हम अब चारों तरफ चलते चलते भी देख सकते थे। समय के साथ हमारे पूर्वजों का विकास होता रहा, और 23 लाख साल पहले होमो हैबिलियस ने पत्थरों का इस्तेमाल करना चालू किया। इन्होंने पत्थरों से धारदार हथियार बनाए, जिससे कि वो जानवरों के मांस को अच्छे तरीके से काटने लगे। समय के साथ अब हमारे पूर्वज समूह में मिलकर शिकार और रहने लगे, और इनका नाम था होमो इरेक्टस। इन लोगों का दिमाग पृथ्वी पर मौजूद उस समय के किसी भी जीव से सबसे तेज था। इन्हीं लोगों ने आग का इस्तेमाल सबसे पहले करना सीखा। आग की खोज इंसानों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि आग से गर्मी, रोशनी और मांस को पकाया जा सकता था। पका करके मांस खाने से सबसे
बड़ा फायदा ये हुआ कि जो ऊर्जा मांस को पचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी अब वो ऊर्जा बच गई और वो ऊर्जा इनके दिमाग के विकास में लग गई। इस दौर तक इंसानों ने परिवार बनाना भी सीख लिया था। आग की खोज के बाद इंसान रात में भी शिकार पर निकल सकता था। 2 लाख साल पहले हमारे पूर्वज लगभग हमारी तरह ही दिखने लगे। इनके शरीर पर अब उतने बाल नहीं थे जितने की पहले हुआ करते थे और जो आवाज की नली हमारे पूर्वजों में गले में ऊपर की ओर थी वो नीचे आ गई, जिससे इंसानों ने धीरे धीरे करके बोलना भी सीखा। और इसी दौर में हम इंसानों ने किसी चीज को सबसे पहली बार उगाया, यानी कि इस दौर तक हमने खेती करना भी शुरू कर दिया था। 1 लाख साल पहले होमो सेपियंस ने यानी कि आज के इंसानों ने एक जगह से दूसरे जगह तक जाना शुरू कर दिया और इस तरह करके हम इंसान आज लगभग इस पूरी पृथ्वी पर फैल गए हैं। तो दोस्तों, जो एवोल्यूशन की थ्योरी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई उसके हिसाब से हमारे विकास में ना तो एलियंस का हाथ है और ना ही भगवान का। और इस थ्योरी को सबसे पहली बार 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपने बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बताया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशनल चीजें पता चली होंगी और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।